हेलो दोस्तों, अगर आपको इंटरनेट सेफ़ तरीके से यूज़ करना है, बिल्कुल सेफ्टी के साथ इंटरनेट को चलाना है तो इस वीडियो को देखिए। काफ़ी लोग क्या गलती करते हैं, कुछ अनसिक्योर्ड वेबसाइट पर चले जाते हैं वो लोग, और उस वेबसाइट पर जो है पैसों का लेन देन करते हैं और कुछ भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन डाल देते हैं, कमेंट्स कर देते हैं। ठीक है, तो अनसिक्योर्ड वेबसाइट पर क्या होता है दोस्तों, कि जो हैकर है वो इजीली उस वेबसाइट को हैक कर सकता है और उस वेबसाइट का जो पूरा डेटा चुरा सकता है, लीक भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। इस वीडियो में बने रहिए, हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि अनसिक्योर्ड वेबसाइट होती क्या है। ठीक है, आप कभी भी इंटरनेट का यूज़ करोगे तो मतलब कुछ भी इंटरनेट पर आप सर्च करोगे तो उस वेबसाइट पर ऊपर लिखा होगा HTTPS, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, है ना। ठीक है, तो उसके पास में एक लॉक का आइकॉन होता है, ठीक है, वो लॉक, ताले वाला लॉक। ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ आइकॉन होता है, तो आप उस समझ जाएगा उस आइकॉन को देखकर कि ये जो वेबसाइट है ये बिल्कुल सेफ है। अगर दोस्तों आपको कोई ऐसा आइकॉन मतलब दिखाई देता है वेबसाइट पर लॉक का, ठीक है, जो लॉक होता है उसका, तो आप समझ जाइएगा कि जो वो वेबसाइट है वो बिल्कुल सेफ है, उसे हैकर इतनी आसानी से हैक नहीं कर सकता। अगर आप कुछ पैसों का लेन देन भी कर रहे हो तो बिल्कुल निश्चित होके करिए, क्योंकि वो वेबसाइट सेफ़ है। सो दोस्तों अब बात करते हैं हम कि अनसिक्योर्ड वेबसाइट क्या होती है। ठीक है, अनसिक्योर्ड वेबसाइट में क्या होता है कि जो वो लॉक का आइकॉन होता है वो नहीं होता है। ठीक है, लॉक के आइकॉन की जगह एक ट्रायंगल होता है, ज़्यादातर रेड कलर में ये ट्रायंगल होता है, ठीक है, और लॉक का आइकॉन जो है नहीं होता। अगर आप उस ट्रायंगल पर क्लिक करते हो तो वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ आ जाता है कि भैया ये जो वेबसाइट है ये अनसिक्योर्ड है। ठीक है, मतलब इसमें सिक्योरिटी रिस्क है। ठीक है, अगर आप कुछ भी डाटा इसमें अपलोड करते हो, कुछ भी कमेंट्स करते हो और कुछ भी उस वेबसाइट पर आप सर्व कर रहे हो, उस वेबसाइट को चला रहे हो, तो एक हैकर जो होता है, ठीक है, इजीली उस वेबसाइट को हैक कर सकता है। अगर आप उस वेबसाइट को चला रहे हो तो आपका भी पता लगा सकता है आपने उस वेबसाइट पर क्या क्या लिखा है, मतलब कि क्या क्या कमेंट्स की हैं, क्या डाउनलोड किया है, क्या अपलोड किया है, वो एक आसानी से इजीली पता लगा सकता है। ठीक है, सो दोस्तों यहाँ पर बात सीधी सीधी है, ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं बोलूँगा। आपको अगर इंटरनेट पर सेफ़ रहना है तो आप ऐसी अनसिक्योर्ड वेबसाइट पर मत जाइए। ठीक है, आप कोई भी पैसे का लेन देन ना करें उस वेबसाइट पर। अगर आप उस वेबसाइट पर चले भी जाते हैं तो अपना जो है ईमेल, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और भी कोई कुछ भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको जो है नहीं डालनी चाहिए उस वेबसाइट पर। आपका डेटा हैक हो सकता है, बहुत रिस्क है अनसिक्योर्ड वेबसाइट में। ठीक है, और जो सिक्योर्ड वेबसाइट होती है, ठीक है, जिसमें लॉक का आइकॉन होता है, वो वेबसाइट सेफ़ होती है, उसको आसानी से हैक नहीं किया जा सकता। आप कुछ किसी भी बड़ी बड़ी वेबसाइट पर देख लेना, जैसे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, ठीक है, यूट्यूब हो गया, किसी भी बड़ी बड़ी वेबसाइट पर आप देखना कि वो लॉक का आइकॉन होता है, ठीक है, ताकि उसका डेटा जो है इजीली हम मतलब कोई भी हैकर हैक ना कर सके। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो मुझे पता है कि आपको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट होगा, ऐसी बातें आपको जाननी मतलब जानने की इच्छा होगी। ठीक है, अगर आपको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।